हेलो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम बी तंसु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग। मैंने रक्षाबंधन की कैसे तैयारियां की, क्या क्या मैंने परचेजिंग की है, वो सारी मैं शॉपिंग आपके साथ शेयर है। क्रीम शेड एंड ब्लू में जो सूट ये चुंडी टाइप का इस पे प्रिंटेड है एंड इस पे जो है वर्क हुआ है इस तरह सीप का एंड इसमें पर्ल लगे हैं गोल्डन कलर के एंड रेड कलर का बीच में इस तरह स्टोन लगे हैं गाइस। तो इस तरह जो ये वर्क हुआ है ये हाफ सूट पर इस तरह वर्क है आप देख सकते हैं और जो इसकी स्लीव है इन्होंने फुल दी है, फुल नहीं एंग आप यहाँ तक कह सकते हो, यहाँ तक है एंड इसमें दो फ्रिल लगे हुए हैं, एक सूट का ही है इस तरह का एंड ये एक प्लाजो का जो इसके साथ प्लाजो है उस तरह का है। दो तरह के इन्होंने फ्रिल दिए हुए हैं, ये इस तरह इसकी कुछ डिजाइन है और ऑल ओवर जो दिखता है बिल्कुल इसमें प्रिंटेड है इस तरह का आप देख सकते हैं, ऐसे है। बैक साइड भी इसी तरह प्रिंट है एंड इसका जो प्लाजो है प्लाजो इसका क्रीम शेड में आप देख सकते हैं और इसका जो घेरा है उन्होंने बिल्कुल स्कर्ट की तरह दिया हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा वो ये था कि ये बिल्कुल स्कर्ट की तरह इसका घेरा है और इसमें पतली पतली सी चार लाइनें जो है लेस की लगी हुई है, सॉरी चार नहीं सिक्स लाइन है इसमें जो इन्होंने दी है। कैसे गाइस आप देख सकते हो सिक्स पतली पतली लाइनें इन्होंने नीचे दी हुई है, लेस लगाई है एंड उससे भी अच्छी बात जो इसमें है ना इसका जो स्टफ है बहुत ही प्यार प्योर कॉटन है एंड अंतर में भी आपको उन्होंने एक कपड़ा हुआ अटैच किया हुआ है, ये पूरा नीचे तक आता है जिससे इसमें जो ना एक स्कर्ट की तरह और घेरा जो है बहुत ही अच्छा इसमें घेरा आता है। तो इस तरह जो गाइस ये है इसके नीचे प्लाजो का, तो एक सेट मैंने ये अपने लिए सूट लिया हुआ है जिसे मैं रक्षाबंधन पर पहनूंगी एंड इसमें मैं एक मेकअप लुक रक्षाबंधन का क्रिएट करूंगी, वो वीडियो भी आपके साथ पहुंच जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। एंड मैंने दूसरा अपने लिए लिया है एक प्लाजो, सेकेंड प्लाजो है बट ये प्लाजो पैंट प्लाजो है कुछ इस तरह का है। आगे इसमें इस तरह के उन्होंने प्लेट्स दी हुई हैं और इधर भी ये एक डोरी है, इधर भी इन्होंने डोरी दी है, ये इस तरह बांधने के लिए है। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह है, यहाँ पे इस तरह आप इसे बांधकर ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरह कुछ इसका लुक आएगा। यहाँ पे तो इन्होंने पॉकेट दी हुई है एंड इसके नीचे का जो मुझे सबसे अच्छा लगा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके नीचे फ्रंट पे इन्होंने इस तरह प्लेट दी हुई है और पीछे का जो पार्ट है ऐसे थोड़ा बड़ा है आप देख सकते हैं, ऐसे है और पीछे का जो है प्लेन है। तो ऑल ओवर जो फ्रंट एंड बैक ये दिखता है ये इस तरह का है। इसकी प्राइस जो गाइस है वो 750 है, जितनी शॉपिंग मैंने की है सारी अंडर 1000 है एंड इसकी जो प्राइस है सूट की वो 1000 है, ये और पूरा जो है इन्होंने 1000 रुपीज इसके लिए थे एंड ये 750 अभी इन ट्रेंड में है, ये बहुत इसमें ट्रेंड पे चला है, ट्रेंड में है बहुत चल रहा है ये। इसके ऊपर मैं कोई भी रेड या ब्लैक टॉप डाल सकती हूँ एंड थर्ड मैं जो अपने लिए परचेज किया है वो मैंने ली है एक साड़ी, ये भी 990 की है आप देख सकते हैं, वो ये लाइट मेहंदी शेड में, आप कौन सा कलर कहते हैं मुझे बताना अगर मैं मिस कर रही हूँ तो। इसमें भी प्रिंटेड है ये थोड़ा सा इस तरह का रेड कलर के, लाइट रेड कलर प्रिंट है एंड ये जो यहाँ पे पेंट किया उन्होंने गोल्डन शेड में पेंट किया है, ऑल ओवर भी इसी तरह के और नीचे इसमें जो है इस तरह के गोल्डन एंड येलो में इस तरह का गोटा लगाया हुआ है। सिंपल है, सोबर है, पहनने के लिए बहुत ईजी है, आप कंफर्टेबल है, आप कहीं भी इसे वेयर कर सकते हैं। एंड देन मैंने परचेज किया है अपनी बेबी के लिए एक फ्रॉक, उसे फ्रॉक बहुत पसंद है, ये लाइट शेड बिल्कुल समरी शेड है इसमें प्रिंटेड सा है और इसकी जो प्राइस है यू कैन सी गाइस आप देख सकते हो 375 है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कैजुअल वियर है, मैंने लिया है ये इसके लिए जो इसे उसका बहुत फेवरेट है तो मैंने ये बिल्कुल समरी शेड है, डेली बेसिस पे इसे वियर कर सकती हैं। एंड देन इसके साथ मैंने लिए है इनके लिए एक ये स्लीपर, इसकी प्राइस जो है 135 एंड सेकेंड नेक्स्ट स्लीपर जो है ये ब्लैक शेड में है, ये छोटी की है, इसकी भी प्राइस है 135। एंड देन अगेन जो मैंने लिया है वो मेरी हबी के लिए ये है ग्रीन शेड में, डार्क ग्रीन शेड में टी शर्ट है एंड इसकी प्राइस जो है 255, ये भी डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हैं इसे, जिस तरह गर्मी का अभी समर का टाइम चल रहा है तो इसे भी वो डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हैं। एंड सेकंड मैंने जो ली है वो है शर्ट, ये लाइट पीच शेड में है, शायद शेड आपको पूरा क्लियर नजर आए बट लाइट पीच शेड में है एंड इसकी जो प्राइस है ये 375 है, एक ये हो गया। एंड इसके साथ एक है पैंट मैंने लिया है कैमल शेड में, आप कौन सा शेड बोलते हो, हम लोग इसे कैमल शेड बोलते हैं,
ये इस तरह का है और इसकी जो प्राइस है ये 515 है। और इसका जो स्टफ है बहुत अच्छा है और किसी भी तरह इस पे रेड ब्लैक डार्क ब्लू कोई भी अगर आप टी शर्ट पहनेंगे तो इस पे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। देन अगेन जो एक पैंट है वो है ये ब्लैक सेड में, इसकी भी प्राइस जो है इतनी ही है, मे बी अगर मैं बोल नहीं रही 540 है गाइस उसकी 515 है और इसकी 540 है। ये ब्लैक सेड भी है, ब्लैक सेड भी जो मैंने अभी इस तरीके वाली शर्ट आपको दिखाई ये दोनों इसके मैचिंग की है एंड ये इसके साथ का है। तो ये आप देख सकते हो ये मुझे बहुत सेड बहुत प्यारे लगे तो ये मैंने लिया है। एंड देन उसके बाद मैंने लिए हैं अपने लिए एक ब्लू, जो मैं बता रही थी सूट के साथ मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए मैंने लिए एक बैंगल्स से, लोकल मार्केट से जितनी भी शॉपिंग मैंने की है सारी लोकल मार्केट से है और इसकी प्राइस है मे बी 50 या 60 अराउंड ऐसे है। एंड इसके साथ मैंने लिया है बैंगल्स गोल्डन सेट के, ये बैंगल्स किसी पे भी चल सकता है और मैं आपको दिखा रही निकाल के, इसमें लटकन लगे हुए हैं। किसको लटकन वाले पसंद है, जिसको जिसको भी लटकन वाले पसंद होंगे और मुझे बताना, मुझे लटकन वाले बहुत पसंद है। ये इस तरह का है, पेयर में है, अभी मैंने इसे खोला नहीं है। एंड इसकी प्राइस है 130 गाइस, 130 का ये इन्होंने चार पेयर दिया है, दो सेट उन्होंने दिए हैं, दो पेयर दिए हैं। और इसकी पैकेजिंग जो है कुछ इस तरह की ऐसे बॉक्स में है ये। एंड इसके साथ मैंने लिया है रक्षाबंधन, सबसे अहम जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो है रक्षाबंधन। मैंने ली है चार रक्षाबंधन, एक इनकी जो प्राइस है गाइस एक तो है कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, इसकी प्राइस है 30 रुपीज है। एंड सेकंड जो है वो भी इसी तरह है बट इसका आप देखेंगे ये जो राउंड सर्कल में उसमें था ये थोड़ा इस तरह का है, बाउल शेप में कह सकते हो आप इस तरह का है और इसकी भी प्राइस जो है 30 है। एंड सेकंड मैंने लिया है ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा क्या कहते हैं हाँ स्टोन वर्क है बीच में यहाँ पे और इसका डिजाइन थोड़ा इस तरह है और इसकी प्राइस है 50। एंड देन जो मैंने फोर्थ लिया है लास्ट ये है इस तरह का, इसमें बड़ा सा बीच में इस तरह का प्लेट टाइप में वर्क है और बीच में छोटे छोटे से कुंदन लगे हुए हैं रेड स्टोन के साथ इस तरह, और इसकी प्राइस जो है ये 45 की है। तो ये मैंने चार रक्षाबंधन लिए हुए हैं जो राखी पे बांधनी है। एंड देन अगेन मैंने लिया हुआ एक झुमका, ये गोल्डन एंड व्हाइट शेड में है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, ये भी मैंने सूट पे पहनने के लिए लिया है, इसी प्लाजो के जो मैंने सूट खरीदा है उसी प्लाजो के साथ पहनने के लिए लिया है ये। इसके जो है गाइस इस लेस की मैचिंग से मैंने लिया है एंड ये इस एंड इसमें जो ये पर्ल लगा है ये इसके साथ मैच हो सकता है तो ये कॉम्बिनेशन मैंने इस तरह मैचिंग करके कुछ लिया हुआ है। अब बताना मुझे किस तरह लगा ये इस तरह करके। एंड अगेन जो मैंने लिया था इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना ही भूल गई, साड़ी के साथ जो मैंने लिया था साड़ी का साया मैं आपको दिखाना भूल गई, ये मैंने उसके साथ लिया था इसका साया जो अलग से हमें लेना पड़ता है, कई बार हम साड़ी खरीदने जाते हैं बट साया लेना ही हम भूल जाते हैं, ये मेरे साथ कई बार हो चुका। अगर आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करना ऐसा होता है। ये इसके साथ साया मैंने लिया है एंड इसके साथ ही मैंने लिया है ये फॉल, इसमें इसके धागे भी हैं थोड़े से बट ये कंप्लीट नहीं होएगा मुझे अलग से लेना होगा ये है। एंड इसकी जो पिक है ये कुछ इस तरह की नजर आएगी आप देख सकते हैं, वेयर करने पर इस तरह लगेगी ये। एंड अगेन मैंने ली है दो छोटी छोटी सी रिंग बिल्कुल डेली बेसिस पे पहनने के लिए डेली वियर के लिए आप देख सकते हो, इस तरह मैं आपको इसे वियर करके दिखा रही, मुझे ऐसी रिंग के बहुत शौक है, मैं बहुत पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहनने पे कुछ इस तरह नजर आएगा, यू कैन सी गाइस ऐसे। तो ये मैंने लिया हुआ है, आपको कैसा लगा मुझे बताना, ऑफिस वियर या वैसे ही अगर आप रिंग पहनने के शौकीन है तो आप घर पे इसे पहन सकते हैं, कुछ इस तरह इसका लुक आता है। तो ये मैंने लिए हैं दो प्लेटी से बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे लगे, आपको किस तरह लगा आप मुझे बताना। इसकी प्राइस जो है ये है 50 एंड इसकी जो प्राइस है ये जिग जैक टाइप की डिजाइन है इसकी और इसके ऊपर जो है व्हाइट कलर के स्टोन का वर्क हुआ है और इसकी भी प्राइस है 50। तो ये सारी मैंने शॉपिंग की हुई है, आपको कैसी लगी आप मुझे बताना और रक्षाबंधन की तैयारी आपने किस तरह की वो भी मेरे साथ शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।